Hey guys, welcome back to the Light Mode channel. Today we are going to discuss some more financial term related to the previous asked question in the RBI Grade B exams. I know that you all are waiting for the RBI exam notification and it will come soon. Till then, study with Light Mode and our team so you will get the daily updates regarding some previous questions, some important topics and many more वीडियोस. मेनी मोर कंटेंट्स आर देयर विच इज प्रोवाइडेड बाय आवर टीम. तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस लाइट मोड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे. और इफ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड फॉर मोर डिटेल कंटेंट्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट दैट इज lightmode.in. ओके, सो नाउ वी विल बिगिन विद सम फाइनेंशियल टर्म. सो सी, आज हमारे पास यहाँ क्या है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं. आरबीआई ग्रेड बी के प्रीवियस एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल विच इज यूज बाय द आरबीआई. ये क्वेश्चन पूछा गया था आरबीआई ग्रेड बी फेज टू 2018 फॉर द टू मार्क्स. ओके, तो दिस वाज द टू मार्क क्वेश्चन इन द फेज टू एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फेज वन एग्जाम आल्सो. ओके, सो जो ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल है ये क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है. तो लिक्विडिटी, यू नो दैट एसेट्स विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड, कोई भी ऐसा एसेट जिसे हम इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे मनी मनी कह सकते हैं, तो दैट इज लिक्विडिटी. ठीक है, जब एसेट को हम इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो दैट प्रोसेस वी कॉल द लिक्विडिटी, दैट इज द लिक्विडिटी मेथड. और लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, तो लिक्विडिटी रेशियो जो होता है ना, लाइक द CRR, SLR, रेपो रेट एंड द डिफरेंट लिक्विडिटी रेशियो जो कि कमर्शियल बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर मेंटेन करना होता है विद अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी द ऑप्शंस दैट व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस आर हियर व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल. तो फर्स्ट इज रेपो रेट, सेकेंड इज MSF, थर्ड इज OMO एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप. तो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट यू नो दैट रेपो रेट इज अ चार्ज ऑन बैंक ऑन द शॉर्ट टर्म बोरोइंग. ओके, तो रेपो रेट जो चार्ज करता है वो आरबीआई चार्ज करता है कमर्शियल बैंक पे फॉर द शॉर्ट टर्म बोरोइंग. ओके, तो दिस इज द रेपो रेट, दिस इज द रेपो रेट. तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर बैंक्स कैन बोरो ओवरनाइट अप टू 1% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी. जो उनका 1% होता है उनके नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का, वो बैंक से बोरो कर सकता है फॉर द ओवरनाइट पीरियड. OMO क्या होता है, OMO होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन. तो दिस इज बेसिकली अ प्रोसेस जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा या बेचा जाता है बाय द आरबीआई इन द ओपन मार्केट. सो दिस इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई इन द ओपन मार्केट एंड दिस प्रोसेस हेल्प्स टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. ओके, सो दिस इज एक्चुअली विशेस टू रेगुलेट द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी. सो दिस इज द OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन. इंटरेस्ट रेट स्वैप, तो इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप जो है इट्स नॉट अ लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल, इट इज अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, इट इज अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जहां पे दो पार्टीज आपस में डिस्कस करती है, दैट विल बी अ कंपनी, दैट विल बी इन्वेस्टर्स, वो डिस्कस करती है दैट दे वॉन्ट टू एक्सचेंज देयर इंटरेस्ट रेट. तो इंटरेस्ट रेट स्वैप इज अ क्लियर दैट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल used by the RBI. Okay, so I hope that इससे आपका answer जो है वो बहुत clear हो गया होगा कि इसमें से answer इसका क्या है. तो what is the correct answer? Correct answer is interest rate swap. This is not a liquidity management tool which is used by the RBI. Okay. Now here you can see that the tools which RBI used to manage liquidity are CRR, repo rate, MSF and open market operations. Okay, so these are the related terms, liquidity management tool.
Liquidity management tool is basically a quantitative method used by the RBI to control the inflation. Okay, so next हम move करते हैं. Next question is repo rate injects liquidity while reverse repo employ what of liquidity? And this question was also asked in the RBI grade B phase 2 2018 for 2 marks. So this is also an important topic. Repo rate, reverse repo rate, bank rate, CRR, SLR, MSF all are the different tool used for the inflation control. Okay, so these are the options available here that injects reverse repo rate, injects reverse repo rate, observe reverse repo rate, increase or none of these. तो पहले हम समझेंगे कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है. तो यू नो दैट कि रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो आरबीआई पे करता है कमर्शियल बैंक्स को फॉर द शॉर्ट टर्म लोन. ओके, कमर्शियल बैंक फाइंड इट वेरी वेरी सिक्योर बिकॉज वो आरबीआई को पैसे दे रहे हैं, उन्हें उनके पैसे एक सिक्योर हैंड में है, उन्हें बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलने वाला है. तो दैट इज अ रिवर्स रेपो रेट विच आरबीआई पे टू द कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट टर्म borrowing. Okay, reverse repo rate is used for the absorption of liquidity. Reverse repo rate is used for the absorption of liquidity. While reverse repo rate injects liquidity, reverse repo rate absorption of liquidity. Okay, so reverse repo kya karta hai, absorb kar leta hai liquidity ko economy ke markets. Okay, so you can see that reverse repo implies that if the bank which lent to the RBI by buying government securities from the RBI for the short period with a promise that he will sell them back to the RBI on a specific date at a specific price with some specific interest also. Okay, so you know that current repo rate is 4% and current reverse repo rate is 3.35%. Okay, so this is clear. Repo rate, current repo rate is 4% and reverse repo rate is 3.35%. So now we will move forward with the third question. Okay, so third question is what will be the effect if CRR decrease? Agar cash reserve ratio ko ghatati hai RBI to uska effect kya hota hai? Ye question pucha gaya tha RBI grade B phase 2 2019 for 1 marks. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है जिससे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि जब सीआरआर डिक्रीज होता है तो क्या होता है, एसएलआर इंक्रीज होता है तो उसका इफेक्ट इन्फ्लेशन पे क्या होता है. तो इससे पहले कि हम इसको जाने, पहले हम एक बार वापस से रिव्यू कर लेते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है. तो कैश रिजर्व रेशियो, यू नो दैट इट इज अ रेशियो विच अ कमर्शियल बैंक मेंटेन विद द आरबीआई. वो एक परसेंटेज ऑफ रेशियो है जिसको कैश के फॉर्म में कमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ मेंटेन करती है और अभी उसका परसेंटेज जो रेशियो है दैट इज अ करंट सीआरआर रेशियो इज 3%. सपोज दैट कि इफ बैंक डिपॉजिट इज 100 एंड 3% इज करंट सीआरआर, देन नाउ बैंक कैन लेंड ओनली फ्रॉम दैट 97%. ओके, मींस कि वो 3% को टच नहीं कर सकता, सिर्फ 97% से ही वो क्लाइंट्स को, अब कस्टमर्स को और इकोनॉमी को लेंड करेगा. ओके, सो दिस इज द 3% ऑफ द सीआरआर व्हिच इज सेफ विद द आरबीआई एज इन फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशियो. एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इन्फ्लेशन ऑफ एसएलआर? तो एसएलआर क्या होता है, बैंक जो अपने पास रखता है, अपने पास एक स्पेसिफिक रेशियो वो मेंटेन करता है, दैट इज एसएलआर, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो विच बैंक कीप्स with themselves in the form of gold, cash or other security. तो CRR जो maintain होता है वो in the form of cash होता है, SLR जो maintain होता है वो होता है cash, gold और security. Current जो ratio है SLR का वो है 18.5%. तो अब हम बात कर रहे हैं कि जब ये increase होता है तो क्या होता है और जब CRR decrease होता है तो क्या होता है. तो इससे पहले हम आपको एक चीज दिखा देते हैं. I'll show you one thing that when a CRR or SLR decreases, okay, when it decreases, the effect जो इसका inflation पे है, वो increase होगा. अगर CRR
और SLR को डिक्रीज किया जा रहा है, इसका मतलब कि बैंक्स अपने पास कम पैसे मेंटेन कर रही है और इकोनॉमी में पैसे ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि इन्फ्लेशन जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर CRR और SLR को डिक्रीज किया जा रहा है तो इन्फ्लेशन क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। ओके सो दिस इज क्लियर दैट when CRR SLR increases, inflation decreases, and when CRR SLR decreases, inflation increases. जब बैंक अपने पास पैसे ज्यादा मेंटेन कर रही है तो इन्फ्लेशन कम होगा, और अगर वो इकोनॉमी में मार्केट में ज्यादा पैसे छोड़ रही है, ज्यादा पैसे प्रोवाइड कर रही है, अपने पास कम मेंटेन कर रही है, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा। ओके सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ CRR SLR increase and CRR SLR decrease with the relation of the inflation. So this is very clear here कि इनके increase और decrease होने से inflation पे क्या effect पड़ता है. Okay? So you can see that what is the current ratio of CRR. CRR का current ratio जो है वो है 3% and statutory liquidity ratio जो current है वो है 18.5%. Okay? So this is very clear here. The CRR part, the SLR part, the reverse repo, repo rate, open market operation. So these all are the quantitative method of the monetary policy committee which RBI used to control the inflation. Okay. And these are very important topic. With the अगर आपको ये सारे topics बहुत अच्छे से clear हो गए हैं तो आप अपने exam phase 1 में at least 4 to 5 marks easily score कर सकते हैं. अगर ये सब अच्छे से आपने पढ़ लिया है, you know everything about it, तो 4 or 5 marks आपके phase 1 में कहीं नहीं गए हैं, और in the mains you can easily score 5 to 6 or 7 marks in the mains exam also with this related quantitative measures of the मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. ओके तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए जो मैंने समझाया है, आई होप दैट इट्स क्लियर. और कुछ भी अदर इन चीजों के अलावा बच रहा है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और जान सकते हैं तो उसे आप वापस से पढ़ो, अपने माइंड में क्वेश्चन अराइज करो और उसके आंसर ढूंढो. सो अगर आप ऐसा करोगे तो आप एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल मिस नहीं करोगे. यू विल मार्क and you will score a very good marks in your exams. Okay, so thank you for the watching. So thank you for watching this session. In the next part we will come with some other questions related to the previous exam and the financial terms bhi hum samjhenge, concept bhi clear karenge. And guys, if you like this video, please like our channel, subscribe our channel, and is video ko apne un sare friends ke saath share kariye jo ki exams ki preparation kar rahe hain. Okay, so thanks for watching, stay safe, keep happy, and stay learning.